दोस्तों आज की वीडियो खासकर ऐसे नौजवानों को यंगस्टर्स को तो देखनी ही चाहिए जिनके शरीर के अंदर जोश की कमी हो चुकी है, ताकत की कमी हो चुकी है, स्टैमिना की कमी हो चुकी है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में जैसे कि हाथों में, पैरों में, कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है। कुछ भी काम करने का अगर आपको मन नहीं करता है, कमजोरी यानी कि वीकनेस और थकान बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न किसी भी प्रकार की कोई भी भयंकर बीमारी जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, इस तरह की समस्या रहती है। पूरी की पूरी जानकारी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग ऋद्धम के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ें सेवन करने के बारे में बताऊंगा जिसको आपको सुबह खाली पेट या फिर रात को सोते समय प्रतिदिन यानी कि डेली बेसिस पे लेना है। दोस्तों इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, कमज़ोरी दूर होगी, थकान दूर होगी, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, घुटनों में, वो भी ठीक होगा। और साथ में दोस्तों चुस्ती, फुर्ती और स्फूर्ती को और स्टैमिना को बढ़ाने में ये 5 चीजें मदद करती हैं। तो आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कौन कौन सी 5 चीजों का आपको किस तरह से सेवन करना है। पूरी की पूरी आपको सही जानकारी पता होना चाहिए क्योंकि कितनी मात्रा में लेना है, कौन से समय पर लेना है, किसके साथ में लेना है, अगर आप ये चीज़ें नहीं जानेंगे आयुर्वेद की ग्रंथ के अनुसार तो दोस्तों आपके शरीर में पांचों की पांचों चीज़ें भयंकर फायदे की जगह तो नुकसान करेंगी। तो ध्यान से वीडियो को देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं हेल्थ से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत 1 सेकंड के भीतर भीतर आपके मोबाइल में मिल जाए। तो आइए जानते हैं सबसे पहली चीज़ का आपको सुबह कौन सी पहली चीज़ है जिसका सुबह खाली पेट आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है चना। दोस्तों देखिए 2 तरीके से चने का सेवन करना होता है। हमारी जो बॉडी की प्रकृति होती है ना, वात, पित्त और कफ, उसके अनुसार आपको भुने चने का सेवन करना है कि रात को सोते समय चने को भिगो करके सुबह खाली पेट सेवन करना है। आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, आपको पित्त प्रकृति की समस्या रहती है, तो दोस्तों आपको चनों को भिगो करके सेवन करना है, आपको भुने हुए चने का सेवन नहीं करना है। क्यों? देखिए दोस्तों भुने हुए चने की जो प्रकृति होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, ऊपर से अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है और आप भुने हुए चने का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में भयंकर नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको पित्त प्रकृति की समस्या रहती है, चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, पीठ पे पिंपल्स होते हैं, पेट के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, तो आपको चनों को रात को सोते समय आधी मुट्ठी की मात्रा में पानी में भिगो लेना है और सुबह उठ करके पानी पीने के बाद, 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद चबा करके आपको चनों का, भीगे हुए चनों का सेवन करना है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, जॉइंट पेन की समस्या रहती है, तो दोस्तों एक तो पहली बात आपको भुने हुए चने खाने और सुबह नहीं खाने हैं, शाम को जो स्नैक्स का टाइम होता है ना 4 से 5 बजे के बीच, उस समय पर सेवन करना चाहिए। और कितनी मात्रा में, 1 मुट्ठी आप प्रयोग कर सकते हैं, नमक वाले चने का प्रयोग आपको नहीं करना है, नॉर्मल जो भुने हुए चने मार्केट में आते, नहीं तो घर पर भी आप इसको भून करके प्रयोग कर सकते हैं। ये हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में जिनके दर्द होता है, जिनको वात की किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा जिनको कफ प्रकृति की समस्या रहती है यानी कि जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, इस प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, उनको भी भुने हुए चने का प्रयोग करना चाहिए, भिगोकर चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो भुने हुए चने की तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है और अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है तो इसमें आपको आराम देने में ये मदद करेगा। आइए जानते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन सा फ़ायदा करता है, बेनिफिट करता है। दोस्तों अखरोट यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में वॉलनट्स भी बोलते हैं, दोस्तों
इतने बेहतरीन होते हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, चुस्ती फुर्ती बढ़ाने के लिए, शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने के लिए। जोश की कमी जिनके अंदर हो गई है, आलसपन बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी लेवल जिनके अंदर कम रहता है, उनके लिए दोस्तों अखरोट इतने बेहतरीन होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, दो तरह के अखरोट मार्केट में मिलते हैं। एक तो लाइट ब्राउन कलर का होता है, यानी कि दोस्तों जो थोड़ा पीले पीले रंग का दिखता है वो अच्छा अखरोट होता है। आपको काले काले जैसा डार्क ब्राउन कलर का अखरोट नहीं लेकर के आना है, वो अच्छा नहीं होता है। उसमें तेल कम होता है, तेल जिस अखरोट के अंदर कम होगा उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कम होता है। तो एक बात का अच्छे से ध्यान रखें, जो थोड़ा सा पीले पीले रंग का लाइट ब्राउन कलर का अखरोट होता है जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, वही आपको लेकर के आना है। सेवन किस तरह से करना है, देखिए सर्दी के मौसम में बिना भिगो करके भी आप 1 से 2 अखरोट की जो अंदर से गिरी होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में दोस्तों अगर आपको पित्त प्रकृति की यानी कि पेट में गर्मी होने की समस्या होती है, चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो दोस्तों आपको रात को सोते समय अखरोट को पानी में भिगो करके सुबह खाली पेट सेवन करना किसी भी प्रकार के दर्द की समस्या को, ताकत की कमी को दूर करने में मदद करता है। आइए जानते हैं तीसरे नंबर पे कौन सी चीज का आपको प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में और किसके साथ में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों बादाम यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में आलमंड्स बोलते हैं, देखिए दो तरह के बादाम आपको मार्केट में मिलते हैं। एक तो देसी बादाम होते हैं, कश्मीरी बादाम होते हैं, एक होते हैं कैलिफोर्निया अमेरिकन आलमंड्स। दोस्तों आपको अमेरिकन बादाम नहीं लेने, उनके बीच में से ना दोस्तों इंजेक्शन डाल करके तेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है कि आपको तेल वाले देसी बादाम लेने हैं, जो कश्मीरी बादाम होते हैं। क्यों? उन्हीं के बीच में विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, ताकत की कमी को दूर करने के लिए मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि बादाम का प्रयोग किस तरह से करना है आपकी बॉडी की प्रकृति के अनुसार। दोस्तों अगर आपको वात और कफ की यानी कि पेट में सर्दी हो जाती है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, और वात रोग मतलब कि जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसे लोगों को बादाम का किस तरह से सेवन करना है। बादाम को आपको पानी में भिगोना नहीं है, ऐसे आपको 5 से 6 बादाम की गिरी लेनी है, उसको कूट करके इमाम दस्ते में पत्थर की जो लंगरी होती है उसमें कूट करके उसका पाउडर आपको बना लेना है बादाम का। उसके बाद में दोस्तों 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध के बीच में आपको क्या करना है, मिश्री मिलानी है 1 चम्मच, और साथ में दोस्तों 1 चम्मच बादाम का पाउडर जो आपने कूट करके तैयार किया था वो भी मिला करके आपको रात को सोते समय सेवन करना है। ध्यान से सुनिए, रात को सोते समय दोस्तों ये बादाम वाले दूध का प्रयोग करना है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, जोश को बढ़ाने के लिए, आलसपन को दूर करके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जिनको पित्त प्रकृति रहती है, गर्मी बहुत ज्यादा बनती है पेट में, उनको बादाम को रात को सोते समय 6 से 8 बादाम को पानी में भिगो करके रख देना है। जैसे ही वो सुबह उठते हैं छिलका उतार करके, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, छिलके को उतार करके दोस्तों आपको बादाम की गिरी को चबा करके दूध के साथ में सेवन करना है अगर आपको पित्त प्रकृति रहती है। देखिए पानी में भिगो करके अगर आप बादाम का सेवन करेंगे तो उसकी गर्मी निकल जाती है, तो अगर आपके पेट में पहले से ही गर्मी बनती है फिर आप बादाम को भिगो करके सेवन करेंगे तो ये आपको फायदा देगा। आइए दोस्तों आप जानते हैं अगले नंबर पे कौन सी चीज़ का आपको सेवन करना चाहिए जो कि एनर्जी लेवल को, ताकत को, स्फूर्ति को, चुस्ती फुर्ती को बूस्टअप करता है। दोस्तों किशमिश यानी कि जो रेजन्स होते हैं उसको आपको रात को सोते समय पानी में भिगोकर लेना चाहिए अगर आपको पेट में गर्मी बनती है। अगर आपको गर्मी नहीं बनती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार या फिर जोड़ों घुटनों में दर्द होता है, तो बिना भिगोए दोस्तों आपको दूध के साथ, गाय के हल्के गुनगुने दूध के साथ में आपको दोनों ही तरह से आपको रात को सोते समय ही सेवन करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो दोस्तों एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ में ताकत की कमी को दूर करके चुस्ती फुर्ती, और साथ में दोस्तों बॉडी बिल्डिंग जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है।
आइए दोस्तों, आप जानते हैं अगले नंबर पे ताकत की कमी को दूर करने के लिए, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज का आपको सेवन करना चाहिए सुबह खाली पेट। दोस्तों फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज में इतनी जबरदस्त मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। देखिए अगर आपको ताकत की, चुस्ती फुर्ती की, स्फूर्ती की, स्टेमिना की, एनर्जी लेवल कम होने की समस्या रहती है तो अलसी के बीज का दोस्तों सुबह खाली पेट उठ करके एक चम्मच की मात्रा में आपको ऐसे ही हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन करना चाहिए। आप दूध के साथ भी इसको सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये इतना बेहतरीन होता है, आपके शरीर में ताकत को तो बढ़ाता है, साथ में दोस्तों और भी बीमारियां जैसे कि जिनको हाई बीपी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बस ज्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें क्योंकि बहुत ही गर्म होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने मित्रों के साथ। मुझे उम्मीद है